अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से व्लॉग की। तो देखते हैं हम आज क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं आज पाकिस्तानी वाला कढ़ाई चिकन। तो हमने ले लिया है सरसों का तेल, हमारा सरसों का तेल है रेडी। और देखिए, ये है हमारा मटन, और ये रहा हमारा दही, और ये रहा हमारा टमाटर। तो टमाटर को हमें ऐसे ही डालना है, बीच में से कट लगाने हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा मटन और दही। हम मसाले दिखाएंगे आपको अभी बाद में, जब तैयार करते रहेंगे आगे। चलिए चलते हैं, तैयारी करते हैं। तो चलिए करते हैं तैयारी और वहाँ करते हैं स्टार्ट। तो पहले लेंगे हम अपना मटन, जो कि फ्राई होगा तेल में अच्छे से। ये 1 किलो से कम है गोश्त। तो चलिए इसको करते हैं तेज आंच पर, खूब अच्छे से पकाते हैं तेल के साथ। और गोश्त हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे कि फटने लगा है गोश्त, उसमें सीटी नहीं लगाएंगे, खूब उसको तेल में फ्राई करेंगे। वो लोग करते हैं कढ़ाई में, तो हमारे पास कढ़ाई है नहीं, तो हम बनाएंगे कुकर में। कैसा रहा? बढ़िया रहा ना? अच्छा रहा। ये बहुत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ बनता है, तो चलिए हम भी आज ट्राई करते हैं। हमारे स्टू की तरह है देखा जाए तो, लेकिन उनका थोड़ा स्टाइल अलग है। तो चलिए देखते हैं, आगे करते हैं इसकी तैयारी गोश्त की। और हमारे जो वीडियो है, प्लीज पूरा फिल ब्लॉग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए हमारे। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के शुक्र से चल रहा है हमारा चैनल। अल्लाह का लाख लाख करम है सबका। देखते हैं ब्लॉग, लेकिन पूरा फुल वॉश कीजिए, उसको बीच में से कट नहीं कीजिए, पूरा फुल वॉश कीजिए। तो चलिए अभी हम थोड़ा रोकते हैं और करते हैं इसको गोश्त को फ्राई। जैसे हमने जो बताया कि फटने लगे हमारा गोश्त, तो हम आपको दिखाएंगे भी कि गोश्त किस तरह से फटने लगता है जब हम टमाटर ऐड करते हैं। तो चलिए देखिए, मुझे 20 मिनट हो गए हैं गोश्त को तेल में करते करते, और देखिए मेरा गोश्त फटने सा लगा है। यानी देखिए इसकी जो बोटी के रेशे होते हैं वो अलग होने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए आप पास से देखिए इसको, सॉरी कैमरा इधर है हमारा तो विजिबल नहीं हो रहा था। देखिए हमारा गोश्त जो है वो फटना से लगा है, यानी टूटने सा लगा है, हमें बोलना नहीं आता। और लोग हमारे जो क्या बोलते हैं सेंटेंस है पकड़ते हैं, और हमें पता चलता है वो इस तरह से बोलते हैं कि सलाह ऐसे बोल रही थी। तो देखिए अब हम करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड। हमारा गोश्त जो है वो रेडी होना से चालू हो गया है, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो ये हमारे टमाटर हैं हम पूरा ऐड ऐसे ही करेंगे। देखिए आप इस तरह से इसको डाल देंगे, ये पूरा इसमें पकेगा, दही डालेगा बाद में जब हमारा टमाटर बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अभी हम सीटी नहीं लगाएंगे टमाटर के साथ। और इसकी जो ग्रेवी है वो टमाटर में ही होगी। हम अभी दिखाएंगे आपको मसाले भी क्या डालेंगे। तो चलिए अभी छोड़ते हैं और रोकते हैं अपना कैमरा। तो हमारे घर में आ रहे हैं आज हमारे मेहमान, हमारे देवर जी आ रहे हैं मुरादाबाद से। तो वो खुद ही एक शेफ हैं, तो हम सोचते हैं उनके लिए कुछ नया नया सा खाना पकाएं, लेकिन उनको तो सारे ही खाने पकाने आते हैं। लेकिन गजब बेइज्जती है, हम फिर भी ट्राई करते हैं, हम कभी हार नहीं मान सकते, है ना गाइस? जैसे ही बात कही ना हमें, हम ट्राई करते हैं। और चलिए देखिए हमारे टमाटर जो है वो होते हुए आ रहे हैं। हम इसको रखते हैं अभी स्टीम में, ताकि हमारे टमाटरों का जो इनकी जो खाल है यानी स्किन वो अलग हो जाए और हम इसको निकाल लें, ठीक है। इसको अभी हम छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए हमारे टमाटर की जो स्किन है वो निकलती हुई आ गई है। अब देखिए इस तरह से, और बॉड बहुत गर्म हो रहा है, और इसको हम सारी स्किन को ऐसे निकाल देंगे बारी बारी करके। देखिए इस तरह से ये स्किन निकल रही है टमाटर की। ओ गॉड, बहुत गर्म हो रहा है गाइस, हाथ जल रहा है हमारा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? देखिए इस तरह से हमने काफी टमाटर की जो स्किन है वो अलग कर दी है,
और बन रहा है आज ये कढ़ाई गोश्त। और ये कढ़ाई गोश्त हमने खाया था, एक हमारे कजन थे अमीन भाई, उनके हाथ का खा रखा है हमने ये। अल्लाह को जन्नत में आला मकाम दे। और देखिए ये रही इस तरह से स्कीन, देखिए आप किस अच्छी तरह से निकल रही है स्कीन, जो हमने टमाटर में कट लगाए तो वो बहुत ही आसानी से आ गई है स्कीन टमाटर की बाहर। आप भी पकाइएगा अपने घर पर, पाकिस्तान तो जाएंगे पता नहीं कब, बहुत जल्द जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव है, सबसे मिल के आएंगे और फिर वहाँ के खाने खा के आएंगे और हम बनाएंगे सज्जी चिकन, जो वहाँ पर है बहुत ही फेमस। देखिए काफी हमारे टमाटरों की स्किन जो है निकल चुकी है। देखिए जिस तरह से वहाँ कढ़ाई में पकाते हैं, हमने उसको कुकर में ही ट्राई कर दिया। ये कहते हैं दिल्ली की नारी सब पर भारी। नहीं हो सकता, कैसे होगा, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, दिल्ली की नहीं इंडिया की बोलो, नारी जो है वो कुछ भी कर सकती है, वर्ल्ड की बोलो, हम एक्सपेरिमेंट और कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी निकाल सकते हैं, जितनी भी नारियां हैं इंडिया की यानी वर्ल्ड की, सब कुछ ना कुछ करके अपना काम कर लेती हैं। हमने सोचा हम कढ़ाई कहाँ से करें, तो हमने सोचा हम कुकर को क्यों ना कढ़ाई बना दें, ऐसा हो सकता है, तो बन गया है हमारा। अगर हम भगोने में बनाते तो भगोने में नहीं हो पाता, क्योंकि भगोना था थोड़ा खुला, उसमें और टमाटर उड़ते। अब इसको हम ढक के पका रहे हैं कुकर के साथ में, तो ये हो रहा है हमारा आसानी से। देखिए एक स्किन और आ रही है, ये आ गई। देखिए टमाटर जो है मोस्टली ही बिल्कुल ही गल गए हैं इसके। अब तो हम करेंगे अब दही ऐड अपना, अपने हस्बैंड को अच्छे अच्छे खाने खिलाइए, पकाइए उनके लिए सब, क्योंकि काम पे से थके हुए हारे आते हैं हमारे हस्बैंड सबके, उनको पकाए अच्छे अच्छे खाने खिलाए उनको मजे से। और अब देखिए हम करेंगे इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड, अंदाजे से डालेंगे थोड़ी, ठीक है, हाफ टेबल स्पून लिया है मैंने। हमारा सॉल्ट जो है वो ऐड है इसमें, और थोड़ा धनिया ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। और करेंगे इसको मिक्स। और ये जो कढ़ाई गोश्त है बिल्कुल ही सूखा हुआ, यानी इसमें जो है पानी नहीं होता, बिल्कुल भुना हुआ सा बनता है ये। और जब हमारा रेडी हो जाएगा तो इसमें लंबी लंबी हमारी जो ग्रीन चिली होती है वो डालेंगे, अभी दिखाएंगे वो भी आपको आगे। तो चलिए अभी रोकते हैं और करते हैं और काम। तो देखिए हमारा कढ़ाई गोश्त जो है वो रेडी होता हुआ आ रहा है। अब जो इसमें थोड़ा पानी है वो हमें सुखाना है, ये इसको हमने खुला ही हुआ ही बनाया है, इसमें सीटी नहीं लगाई है। जो हमने गोश्त फ्राई किया था ना, तो ये उससे ही पक गया है हमारा गोश्त, ठीक है। गार्निशिंग के लिए हमारा चिकन कढ़ाई के लिए हमने हरी मिर्च काट ली है लंबी लंबी, और ये आ गया हमारा कोरिएंडर यानी हरा धनिया। और देखिए माशाल्लाह हमारा सालन आ रहा है भुनता हुआ, ये लग रहा है मुझे आज बहुत ही टेस्टी बना है। मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी कढ़ाई गोश्त, मैंने नहीं खाया है अभी, मैंने बचपन में अमीन भाई के हाथ का खा रखा है। तो चलिए हमने बनाया है, अभी हम टेस्ट भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी और खिलाएंगे भी, और ये दिखाएंगे जो आ रहे हैं हमारे मेहमान जिनके लिए हम बना रहे हैं खाना। हमने बिरयानी होल्ड कर दी है क्योंकि हमारे पास्ता बहुत कम, हमने बिरयानी बाजार से मंगाई है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखिए माशाल्लाह से हमारा ये कढ़ाई गोश्त है, ये भी होता हुआ आ गया है। इसका पानी बस हम अब खत्म कर देंगे, इसको बना बना कर पका पका कर। तो देखिए माशाल्लाह की रौनक, देखिए माशाल्लाह सालन की रौनक, देखिए घी आ गया है। अभी हम थोड़ी सी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें, ग्रीन चिली, और फिर हम थोड़ी सी गार्निश के लिए रखेंगे ताकि हम अपने खाने को अच्छा सा सजा सकें। और देखिए ये कोरिएंडर गया इसमें माशाल्लाह से। तो चलिए इसको अब हम चलाते हैं, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह।
है बहुत मजा। देखिए माशाल्लाह आप हमारे सालन का रूप कितना हसीन लग रहा है और कितना लजीज लग रहा है। मेहमान अंदर आ गए थे तो हम अंदर की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, बस हमने जो डिश में निकाला था हमने वो ही वीडियो आपके साथ शेयर की है। एकदम सब खाने बैठ गए थे और भूखे लग गई थी, तो चलिए इंजॉय कीजिए, बाय, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, तो करते हैं नाश्ते की शुरुआत दूध से। तो हम करते हैं अपना दूध बॉयल और इधर करते हैं मेक का ब्रेकफास्ट रेडी। तो आज हम बना रहे हैं मेक के लिए ब्रेकफास्ट हेल्दी वाला। तो जो बची हुई रोटी है हमने वो एक रोटी ले ली है और इधर हमने अपनी जो कैरेट है वो घीसेंगे घी कसमें। और मैंने एक रात पहले अपने जो आलू हैं पोटैटो वो जो बॉईल कर लिए थे, तो एक हमने जो हाफ है वो पोटैटो ले लिया है। और आप कुछ भी वेजिटेबल जो हैं इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद है। तो मैंने एक ले लिया चीज़ का क्यूब जो है अमूल का, वो भी मैं इसमें क्रश कर लूँगी, अच्छे से घीस लूँगी। और ये बच्चों के लिए जो है बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप बहुत सारे वेजिटेबल जो हैं इसमें मटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। क्यूकम्बर है, तो ये देखिए बेजल है हमारे पास, मेरे पास मिक्स वाला, मैंने किया वो ऐड, थोड़ा सा सॉल्ट लिया। अब मैं इसको करूँगी मिक्स अच्छे से, थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल के। तो मेयोनीज़ जो है आप बच्चों को थोड़ा कम दिया करिए, वो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी हेल्दी नहीं होती। और ये ले ली हमने अपनी रोटी और मैं आपको इसमें अपनी रोटी में जितना भी मिक्सर है इसको स्प्रेड करूँगी, यानी अच्छे से लगा दूँगी जल्दी जल्दी। तो देखिए थोड़ी सी चीज़ लेके आप ऊपर से डाल दिए ताकि बच्चों को इसमें पिज्ज़े का फ्लेवर आए अच्छे से। तो आप हफ्ते में सिर्फ ये जो ब्रेकफास्ट है एक ही बार दिए ताकि बच्चों को नुकसान नहीं हो, तो बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं। आप कोई सा भी दिन रख सकते हैं। तो ये था बंडे, तो हम देखिए इस तरह से इसको कट कर देंगे पिज्ज़े के शेप में। और ये हमारा जो है हमने रख दिया है तवा अपना पैन, और इसको थोड़ा हाई फ्लेम करेंगे, थोड़ा सा लेंगे बटर और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। पहले हमने महक का जो सुबह मॉर्निंग का है उसका नाश्ता देना था, जल्दी से हमने इनके ब्रेड जो है वो टॉस किए अच्छे से। सुबह का जो नाश्ता है हमें रात को ही सोचना पड़ता है, नहीं तो सुबह इतना टाइम नहीं होता बच्चों के लिए क्या बना सके हम। और बच्चे सुबह बहुत ड्रामा करते हैं, मेरे ही नहीं सबके। तो देखिए अब फिर हम दोबारा बटर डालेंगे, हम गए थे महक को उसका नाश्ता देने, हम थोड़ा सा फिर बटर लेंगे और इसको करेंगे मेल्ट और इसको रख देंगे अच्छे से थोड़ा देर के लिए होने। आप देखिएगा, आप अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, आपके बच्चे खुद कहेंगे मम्मी आप हमारे लिए ये बना के दें। जो रोटी का ब्रेकफास्ट होता है वो है बहुत हेल्दी। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करें। देखिए आप रोटी का जो कलर है वो कितना अच्छा हो गया है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने रख दिया था महक के टिफिन में और हम आपको दिखाएंगे भी, देखिए ये कितने अच्छे से बना है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए किस तरह से बिल्कुल जो चीज़ और आलू का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा मिक्स हो जाता है। तो आप भी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट बना के दीजिए, बट एक हफ्ते में कोई सा भी दिन रखिए। एक दिन एड अंडे बना के दीजिए, एक दिन आपको उनको सैंडविच बना के दीजिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक जो हेल्दी फूड है तो वो आप एक दिन दे सकते हैं, ठीक है। और करते हैं हम मेक को रेडी। मेक को जल्दी जल्दी तैयार करना होता है क्योंकि भैया आ जाते हैं स्कूल के लेने के लिए, तो जल्दी जल्दी हम करते हैं मेक को रेडी। तो यहाँ कर रहे थे हम मेक का बैक रेडी और मेक हो गई थी रेडी जाने के लिए। अल्लाह हमारी बेटी का नसीब बुलंद करे और ये बहुत कामयाब हो। हम रेडी कर रहे थे, बाय बाय।